कलायत में अनाज मंडी के निकट पेट्रोल पंप पर शनिवार तड़के कुछ नकाबपोश युवकों ने पंप कर्मचारियों को पिस्तौल की नोक पर लूट लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक ही रात को 3 वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें कि कलायत में 3 मई को भी कुछ नकाबपोश युवकों ने दुकानदार शेखर शर्मा पर फायरिंग की थी। अभी तक पुलिस उन युवकों को तो पकड़ नहीं पाई, अब एक और नई वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कलायत में चारों तरफ नाके भी लगाए हुए हैं। इसके बावजूद लूट की नई वारदात को अंजाम दिया जाना लोगों को पुलिस प्रशासन में सरकार पर उंगली उठाने पर मजबूर कर रहा है। घटना के बाद कलायत SHO व DSP ने घटना स्थल का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए DSP ने कहा कि तीनों युवकों ने इसी प्रकार की वारदात नरवाना खटकड़ में अंजाम दिया गया है। इन पंपों पर भी आरोपियों ने 65,000 व 12,000 रुपए की लूट की है। देखें ये पूरी रिपोर्ट। सर बस शुरू में वो 3 बाइक सवार थे, 2 युवक थे, तो सामने से आए तो मैं तो साइड में था थोड़ा, तो ये जो दूसरा भाई है ये मतलब बैठा था कुर्सी पे, तो इसने देख लिया, तो इसने देखते ही मेरे को आवाज़ लगाई कि भाई जल्दी आ, वो मतलब वो उसके ऊपर पिस्टल तान के खड़े हो गए, तो इसने पिस्टल तान के खड़े हुए, तो मैंने पूछा भाई हाँ भाई क्या काम है, क्या करने आए हो, तो उन्होंने वार करना स्टार्ट कर दिया। जो कुल्हाड़ी ले रहे थे, जो गिंडासी थी, जो कुल्हाड़ी थी, तो उससे उन्होंने वार किया, तो मैं बाल बच गया। तो थोड़ी सी लगी है क्रॉस, तो उसके बाद कोई नहीं, मतलब थोड़ा मैं बच गया। तो उसके बाद बचने के बाद मैं कमरे के अंदर गया, तो उन्होंने बाहर निकाला कि हाँ भाई बाहर आ जा और कैश दे दे जितना भी है तेरे पास। तो हमने हमारी जान की वो करके भाई हाँ हमारी जान बच जाए, तो उन्होंने सारा कैश सौंप दिया। कैश कम से कम 20 या 25,000 के पास था, जो मोटा कैश था वो था। तो आए किस साइड से और गए किस साइड से? वो आए मतलब कम से कम 20-25 मिनट पहले वो मंडी की तरफ से उस साइड गए हैं, कैंची की तरफ, मतलब जो भी जायदा लगाने गए हैं। यानी पहले कहाँ से आए थे, यानी मंडी की तरफ से? हाँ, पहले मंडी की तरफ से कैंची की तरफ गए हैं वो। हमने मतलब इतना वो खास ध्यान नहीं दिया कि रोड चलता रहता है सारा दिन, हमें क्या पता कि ये लूट करने आए हैं, तो उस साइड गए। तो उसके बाद वो 20-25 मिनट के बाद यहाँ पंप के ऊपर आए, तो सीधा ऑफिस के बाहर रोका बाइक, तो उन्होंने पिस्टल तान ली। तो नंबर वगैरह देखे? बाइक पे कोई नंबर नहीं था, सिर्फ प्लेन लेते नहीं, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस थी। पुलिस पहुँच गई टाइम पे? हाँ, पुलिस मतलब 5 मिनट बाद आ रही थी पीछे, हमने 112 पे कॉल की तो कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। तो उसके बाद एक यहाँ से पुलिस की गाड़ी जा रही थी, हमने आवाज़ लगा के उनको रोका कि अभी यहाँ से बाइक निकली है लूट करके, तो उन्होंने पीछे लगाई तो उनके हाथ को सिंह लगा। दोनों थे आप? हाँ जी, मैं और ये दोनों भाई। इसमें मेरा विचार ये है जी, जो वारदातें कलायत में हो रही हैं, इससे एक पब्लिक में भय का माहौल है काफ़ी, और इसमें आम पब्लिक में ये चर्चा है, ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। मैं अपनी निजी राय मेरी ये है कि मैं BJP से, मैं तो क्या वोट मेरे बच्चों को भी वोट देने के लिए नहीं कहूँगा। जितनी पब्लिक इस BJP के राज में तंग है, मतलब मैं ये अपने दावे से कहूँ भाई, मैं तो क्या मेरे बच्चों को भी ये कहूँगा भी BJP को वोट मत दें, क्योंकि पब्लिक बहुत दुखी है। हमारे कलायत हल्के में तो इतनी पब्लिक दुखी है कि सरेआम गुंडागर्दी, 3 तारीख को इतनी लूट की वारदात हुई, 10 दिन के बाद दूसरी वारदात हुई। ये है कि BJP का बहिष्कार करो भाई, जो गुंडागर्दी BJP के राज में हुई है उससे पहले किसी सरकार में इतनी गुंडागर्दी। तो कलायत अनाज मंडी में आप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। तो इसके कलायत मंडी व्यापारियों में क्या बड़ा वह का माहौल है? बहुत ज़्यादा, खुलकर व्यापार नहीं कर सकता। यही है कि हम तो प्रशासन पे प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट, तभी गवर्नमेंट को ये कहेंगे भी ठीक है, अदरवाइज बहिष्कार करेंगे, BJP का बहिष्कार करेंगे। देखो, पुलिस अपना काम पूरा कर रही है, हमने शहर में 3 नाके राउंड दी क्लॉक लगा रखे हैं और हमारी पेट्रोलिंग भी राउंड दी क्लॉक चल रही है। कोई 5 मिनट पहले ही मेरा राइडर यहाँ से होके गया है, देखा भी है, चेक हुआ है, और उसके 5 मिनट बाद दूसरी SHO मोबाइल भी आती है, लेकिन इन बिटवीन ये घटना हो जाती है, वही है। और जैसा कि आप सबको हमने वीडियो देखा है, आपने वीडियो देखा है, ये 3 बंदे हैं और जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है और एक के हाथ में वेपन है, और यहाँ पर वारदात हुई है। इसमें हम अपना काम कर रहे हैं, हमने टीमें बना दी हैं, सेम वारदात सेम नाइट को नरवाना के ये उजाणा में हुई है और एक खटकड़ उजाणा के पास हुई है। सेम बंदे, ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ नाके लगे हुए थे कलायत शहर में, परमानेंट नाके, तो क्या नाकों को उन्होंने तोड़ा या वो कहाँ से, वो उनका अवतार कहाँ से हुआ?
देखो शहर में काफ़ी रास्ते हैं, गलियां भी हैं, आसपास में निकलते रहते हैं और भी शहर के लोग भी आते जाते रहते हैं। हो सकता है कोई चूक रही है, मैं इसमें नो डाउट आपका पर्सन सही है, कहीं ना कहीं चूक रही है और उस पर हम अब और ध्यान देंगे कि भी हर व्हीकल को, हर गाड़ी को चेक किया जाएगा आइंदा और इसको हम जल्दी ट्रेस आउट कर लेंगे। बंदे लगभग आइडेंटिफाई हो जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी स्पष्ट नज़र आ रहे हैं वीडियो में। नहीं, अगर मेरी पुलिस के सामने आए होते तो ज़रूर चेक करते होते, वो लेफ्ट राइट से किसी न किसी चोर रस्ते से यहाँ से गुजरे हैं और पुलिस का आमना सामना इनका नहीं हो पाया है। आमना सामना होता तो डेड श्योर वो चेक होते और उनसे पूछताछ भी होती और राउंड अप भी होते। तो व्यापारियों में भय का माहौल है सर, उनको क्या आश्वासन? देखो उसके लिए तो हम जो कर सकते हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है, नाके लगा रखे हैं और SHO मोबाइल, मेरी मोबाइल और दूसरी हमारी डायल 112 की दो मोबाइल राउंड द क्लॉक शहर के अंदर पेट्रोलिंग कर रही हैं और हम तो ये आश्वस्त कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कि भी हम आपके साथ हैं, सुरक्षा का हम पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और करते रहेंगे। ना था जो हक सरकार ने वो वापस दिलवाना है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करवाना है। आज हरियाणा में चारों तरफ सरकारी अन्याय का बोलबाला है, कहीं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बाट जो रहे हैं तो कहीं PTI आज सड़कों पर बैठे हैं, कहीं आशा वर्कर, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर, कहीं कलर्क आज संघर्षत हैं तो कहीं टीचर अपने हक के मुद्दे के लिए आवाज उठा रहे हैं। 1,00,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी लंबे समय से कन्फर्म होने को तरस रहे हैं, उनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है लेकिन उनकी बेबसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहा है तो मैंने आज आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए जनसेवक मंच बनाया है। अपनी सहमति व सहयोग देने के लिए 7834800 पर मिस्ड कॉल कीजिए और जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।